कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 kg मिल्क बॉईल कर लूंगी। हमें इसे पकाना नहीं है, हमें सिर्फ इसको एक बॉईल देना है। मैंने ना थोड़ा सा पहले से ही इस बाउल में निकाल कर रखा था जिसमें हम कस्टर्ड मिक्स करेंगे। बॉइल मिल्क में नहीं मिक्स कर सकते, इसलिए आप ये निकालना मत भूलिएगा। मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैंने प्लेन फ्लेवर यूज कर रही हूँ, नॉर्मल वेनिला। आप इसमें कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स नहीं होने चाहिए। बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। बॉइल किए हुए मिल्क में डालोगे तो ये आपको ऐसे लम्स फ्री नहीं मिलेगा, उसमें गुठलियाँ बैठेंगी ही। यहाँ पे 1/2 कप कास्टर्ड शुगर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे और एक बॉयल आने देंगे, या तो अगर आप वो नॉर्मल चीनी यूज कर रहे हो तो चीनी को मेल्ट होने दीजिएगा। एक बार चीनी मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें वो कास्टर्ड वाला मिल्क ऐड कर देंगे। चीनी डालने के बाद इसको और एक बार बॉयल आ चुका है। अब मैं इसका गैस लो कर दूंगी और चलाते चलाते ही मैं इसमें कस्टर्ड वाला मिल्क डाल दूंगी। चलाते ही रहना है हमें दूध में, वरना इसमें फिर से गुठलियाँ आ जाएंगी। अब ये हम इसमें और एक बार बॉईल करेंगे, ये थोड़ी देर में ही थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसे अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से थिक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाऊंगी, मीडियम बनाऊंगी। गाढ़ा होना स्टार्ट हुआ है, मैं गैस बंद कर दूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। जब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे वो और भी गाढ़ा बन जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे गैस ऑफ कर लिया है। अब चलिए अब हम हमारे फ्रूट्स कट करते हैं। इसमें एप्पल ऐड कर लेंगे, कटे हुए बनाना डाल देंगे। लास्टली हम इसमें डालेंगे हमारे ग्रेप्स। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यूज कर सकते हो या आपके मनपसंद का कोई भी फ्रूट भी डाल सकते हो। स्ट्रॉबेरी वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो उसमें। ये बहुत आपको अभी पतला लग रहा होगा बट आप ट्रस्ट कीजिए, जब आप इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बन जाएगा, सेम जैसे हम बाहर से खाते हैं। तो हम इसे फ्रिज में रख देंगे कम से कम 3 से 4 घंटे तक। हमारा फ्रूट कस्टर्ड फ्रिज में 3 से 4 घंटे तक पड़ा था और ये अच्छे से अभी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो लीजिए हमारा ये फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार है और आप इसे डिनर में या लंच के बाद गेस्ट को सर्व कर सकते हैं।